योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी को प्रोफेशनल आईडी में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप भी अपनी इंस्टा आईडी को प्रोफेशनल आईडी में आपको कन्वर्ट करना है और दोस्तों के सामने शो ऑफ करना है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपको वीडियो को फ्रेंड्स स्किप नहीं करना है। देन आप अगर स्किप करोगे बार बार तो जो आप वीडियो का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर जाओगे, देन जो हमारी ट्रिक है वो वर्क नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम में ओपन हो जाना है। देन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल में चले जाना है। देन प्रोफाइल में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पर जाना है, थ्री लाइंस पर। देन यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे फोर्थ नंबर पर क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे सेकंड नंबर पर नीचे से एड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको कंटिन्यू कर देना है। देन आपको ये कंटिन्यू करते जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अपनी जो भी आपकी एक्टिविटी है आपको वो यहाँ से फ्रेंड्स सिलेक्ट करना है। जैसे मैं हूँ तो मैं जैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो क्रिएटर, आपकी जो भी हो मतलब आप डांसर मानसर स्पोर्टर एथलेटिक्स जो भी हो आप वहाँ से यहाँ पर फ्रेंड्स डाल सकते हो, म्यूजिशियन ब्लॉगर जो भी आप करते हो डिजिटल क्रिएटर। फ्रेंड्स यहाँ पर एजुकेशन पे भी आप मतलब हर एक ऑप्शन है फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर वीडियो क्रिएटर हैं तो फ्रेंड्स जैसे हमने वीडियो डाला ऊपर वीडियो क्रिएटर का ऑप्शन आ गया, देन हमने वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर लिया, आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। देन नीचे डन पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। डन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हमने अपना जो फ़ोन नंबर है उसे यहाँ पर डाल दिया है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। आप यहाँ से ईमेल भी कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे ही आपने यहाँ पर डाला अब आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, देन अपनी आईडी का पासवर्ड डालना है फ्रेंड्स। तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, थोड़ा सा आप अपना फ्रेंड्स डाल लेना, क्या प्राइवेसी के लिए मैं अपना यहाँ पर हाइड कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने अपना, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना नाम डाल लेना है। देन नाम के बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपकी आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड डाल दिया फ्रेंड्स हमने, देन कंटिन्यू एंड सेंड पर। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स यहाँ नीचे से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। देन हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से आपको सिंगअप पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा यहाँ से, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स ऑन हो जाएगा होना। एक से दो मिनट की फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी। देन प्रोसेसिंग के बाद आपकी जो आईडी है वो इसमें आगे मैं आपको फ्रेंड्स बता रहा हूँ वीडियो में, आपको वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेट है वो थोड़ा स्लो चल रहा है और ये फ्रेंड्स हमारी जो प्रोफेशनल आईडी जो हमने अपनी आईडी है उसे प्रोफेशनल आईडी में कन्वर्ट कर दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको जो पीछे है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्किप पर कर देना है, देन जो आपकी प्रोफेशनल वाली आईडी है वो यहाँ पर ओपन हो गई है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप अपनी प्रोफेशनल आईडी मैं कन्वर्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, ये न्यू आईडी बन जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।